आकृति अभिषेक अग्रवाल, हरमन हृदय हृदय है, रोनित और उत्सव उत्सव भी है, उत्सव है। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने सरफेस टेंशन किया था एंड सरफेस टेंशन के अंदर हमने एक टॉपिक किया था जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इस टॉपिक को एक थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि मैंने बताया कि एग्जाम था तो इसलिए फटाफट मुझे जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक्स में तो मैंने करवाया, बट एक्चुअल में इसका क्या कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन का और कैपिलैरिटी का, एक्चुअल में पानी ऊपर चढ़ता क्यों है, उसको हम मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक बार देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में खींचते कैसे हैं पानी को ऊपर। हमने तो फोर्स बनाया और काम खत्म कर दिया कि ठीक है टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर हमारा आंसर आ गया, बट एक्चुअल में कोई तो पानी को ऊपर खींच रहे और पानी को ऊपर कौन खींचेगा, जो भी फोर्सेज होंगी मुझे फोर्सेज चाहिए होंगी और फोर्सेज किसकी, दो ही चीजें हैं, या तो पानी है या फिर सॉलिड जिसको आप कैपिलरी ट्यूब बोलते हो, इन्हीं के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दो तरीके की फोर्सेज हैं, एक कोहेसिव कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ या फिर बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है यहां तक। और जो दूसरी फोर्स है दैट इज एडहेसिव, दैट इज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, हमने डिस्कस किया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं और इसको करने के लिए सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है, सपोज दिस इज अ कंटेनर, ठीक, एंड इफ दिस इज अ कंटेनर, इसके अंदर मान लो कोई लिक्विड है या आपने इसमें लिक्विड बना दिया, या तो क्लियर है। अब नेक्स्ट इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स यहां पर होंगे वाटर के, और हाँ मैंने ये मेनिस्कस नहीं बनाया, बस वैसे ही पानी ड्रॉ किया है, मतलब मैं ये नहीं बताना चाहता कि वो मेनिस्कस है, कुछ नहीं है, बस पानी है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इसके मेनिस्कस को स्टडी करने में, मैं कुछ और दिखाने में इंटरेस्टेड हूं कि फोर्सेस की डायरेक्शंस होती कैसे हैं। तो अगर कोई आप मॉलिक्यूल कोने में लो, इस पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पार्टिकल, पानी का ही पार्टिकल इधर फोर्स लगाएगा, इधर खींचेगा इसे, इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा और कहीं इधर भी खींचेगा, मींस हर तरफ पानी पानी है, तो एक मॉलिक्यूल को कई पानी के पार्टिकल्स अपनी तरफ खींचेंगे, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट, उसी तरीके से ये ग्लास के या जो भी कंटेनर है इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस पार्टिकल को ग्लास अपनी तरफ खींचेगा, ग्लास के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैं एक फोर्स तो ड्रॉ नहीं कर सकता, ग्लास के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इनको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है यहां तक। कोई तो बड़ी फोर्स लगाएगा, या तो पानी के पार्टिकल ज्यादा फोर्स लगा देंगे या फिर ग्लास के लगा देंगे, ठीक। एयर को अभी हमने बीच में छोड़ दिया क्योंकि हम यहां पर जो टॉपिक का नाम है हम सरफेस टेंशन नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि सरफेस टेंशन से क्या हुआ, हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बना। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए मेनिस्कस चाहिए, तो पहले मुझे यह आंसर देना पड़ेगा कि एक्चुअल में मेनिस्कस नीचे की तरफ क्यों जाता है या ऊपर की तरफ क्यों जाता है, मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। तो सपोज कर लेते हैं एक मिनट के लिए कि ये जो ग्रीन कलर में जो जिसको आप कोहेसिव फोर्स बोलते हो, कोहेसिव का मतलब पानी पानी के की फोर्सेज, जिसको आप इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज बोलते हो, मान लो इन सब का रिजल्टेंट ये आ गया F ऑफ कोहेसिव, ठीक है, आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद कहीं तो नेट रिजल्टेंट आएगा और लेट से नेट रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई F ऑफ CH, ठीक हो गया यहां तक। एंड उसी तरीके से लेट अस अज्यूम कि आप इन सब का रिजल्टेंट लेते हो और इन सब का रिजल्टेंट आ गया F ऑफ ADH, ठीक है यहां तक। और जरूरी नहीं है कि ये सीधा है, ये कैसे भी आ सकता है, पर नॉर्मली ये सीधा ही आता है, मैं इसका रीजन भी दूंगा ऐसा क्यों।
अब मान लो एक मिनट के लिए दो ग्रीन कलर के बहुत सारे वेक्टर्स हैं और पिंक कलर के बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तो कौन इन वेक्टर्स को स्टडी करेगा? इसलिए मैंने एक एक वेक्टर ले लिया कि नेट रिजल्टेंट कोहेसिव का, नेट रिजल्टेंट एडहेसिव का, ठीक है यहां तक। अब सपोज करो फिर से एक बार कि ये जो कोहेसिव का वेक्टर है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज सेकंड कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि एफ ऑफ, इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हम F ऑफ COH बोल देते हैं कोहेसिव, और इसको हम लिखते हैं F ऑफ कोहेसिव का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, F ऑफ कोहेसिव का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना यहां तक। तो दो कंपोनेंट्स मैंने बना दिए, एक आपका कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट है और एक आपका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक। अब इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बिल्कुल ग्लास के साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। तो यानी कि अगर इसके ऊपर नेट फोर्स थोड़ी सी नीचे भी लग जाती है तो नीचे होगा क्या? पानी का ही पार्टिकल होगा, और नीचे क्या होगा? पानी का पार्टिकल ही होगा। पानी के पार्टिकल्स ग्लास स्लैब के साथ साथ चल रहे हैं, तो अगर ये सारे मॉलिक्यूल थोड़ा सा नीचे भी हो जाते हैं थोड़ा बहुत, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? क्योंकि नीचे क्या है? पानी। उसके नीचे क्या है? पानी। तो पानी के नीचे पानी, आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस आप ये कह सकते हो कि यहां जो वाटर है वो इस कंटेनर के साथ चिपका हुआ है, दैट्स इट। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ड्यू टू सरफेस टेंशन ये दूर हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। कभी ऐसा देखा है बाल्टी में पानी डाल दिया और उसके कॉर्नर्स खाली हैं, उसका जो एरिया खाली है और पानी हवा में ऐसे ही बस घूम रहा है? ऐसा नहीं होता, पानी एकदम चिपक जाता है उसके साथ। तो ये वही फोर्सेस है ये। अब जो मेन कॉम्पिटिशन बचा वो इन दोनों का बचा, एक हॉरिजॉन्टल ये वाला और एक कौन सी फोर्स है? एडहेसिव। कहने का मतलब एक कोहेसिव का एक कॉम्पोनेंट है और एक एडहेसिव का कंपोनेंट। अब इसके दो केस बनते हैं, इसके दो केस बनते हैं। सबसे पहले हम केस नंबर वन स्टडी करेंगे जिसमें एफ ऑफ कोहेसिव का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज लेट से इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एडहेसिव का कंपोनेंट। मान लो एक मिनट के लिए कि पहले कोहेसिव यानी कि पानी की फोर्सेस बढ़ी हैं एज कंपेयर टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो एफ एडहेसिव। मान लिया एक मिनट के लिए, दो ही केस बनेंगे, या तो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी, इक्वल टू भी हो सकती है, पर इक्वल टू को केस हम एंड में डिस्कस करते हैं। तो मान लिया एक मिनट के लिए, तो अगर मैं अब इसका डायग्राम बनाऊं, वही मेरा कंटेनर है और जिसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि F of cohesive is greater than F of adhesive, तो ये मेरा वाटर का सरफेस था जो चिपका हुआ था, लेकिन ऊपर जाके ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? सीधा इस तरीके की शेप एक्वायर कर लेगा। ये समझ आया क्यों? क्योंकि कौन बड़ा इसमें? F of cohesive का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। तो अगर एफ ऑफ कोहेसिव का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ा है तो ये कोहेसिव कंपोनेंट पानी के पार्टिकल को अपनी तरफ यहां खींच लेगा, ग्लास जो है ग्लास की फोर्स क्या हो जाएगी? छोटी। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि पानी का पार्टिकल चिपका रहेगा? नहीं चिपका रहेगा। तो पानी का पार्टिकल नीचे तो कोई बात नहीं, वर्टिकल कॉम्पोनेंट साथ साथ है, तो मैं मान सकता हूं कि कोई बात नहीं पानी का पार्टिकल ऐसे ही रहा, लेकिन यहां टॉप मोस्ट सर्फेस के ऊपर तो ऐसा नहीं रहा, इसीलिए इसका मेनिस्कस क्या हो गया? थोड़ा सा कर्व शेप हो गया। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ आ रहे हैं? पीछे सही है। अब क्या ये मेनिस्कस गोल 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 होता जाएगा? नहीं, ये शेप सिर्फ कॉर्नर पे होगी, उसके बाद ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल यहां पर होगा वो तो ग्लास के कांटेक्ट में ही नहीं है, तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। शेप चेंज कहां पर होगी? कॉन्टैक्ट पे, इसके कॉन्टैक्ट पे, ग्लास के कॉन्टैक्ट पे। समझ आ रहा है? कॉन्टैक्ट एंगल। तो ये कॉन्टैक्ट बीच में कैसे आ रहा है? तो अगर आप ये एंगल देखना चाहते हो कि ये कितना बेंड हुआ, जो कॉर्नर पे जो सरफेस बेंड हुई वो कितनी बेंड हुई, इसके लिए आप एक काम करो, यू ड्रॉ अ टेंजेंट। जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये ग्लास की सरफेस है, ये लिक्विड की सरफेस है, और दोनों के बीच में ये एंगल बना। और प्लीज ये वाला एंगल नहीं बनाना, क्योंकि ये वाला एंगल हवा में एंगल है, और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहां पर बनते हैं? पानी में बनते हैं, या किसी भी लिक्विड में बनते हैं। दिस इज नॉट वाटर, दिस इज सम लिक्विड। ठीक हो गया यहां तक? तो यहां पर ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो बना वो ग्रेटर देन क्या बना? 90 बना। ठीक। और ऐसी शेप पता है कौन एक्वायर करेगा? मरकरी। मरकरी को आप डालो कंटेनर में, तो उसकी शेप ऊपर से गोल हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, कॉर्नर से राउंड हो जाएंगी, वो चिपकेगी नहीं, मतलब एटलीस्ट ऊपर से नहीं चिपकेगी, नीचे से चिपकना पड़ेगा, उसको वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करना ही करना है। बात समझ में आ रही है?
तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ग्रेटर देन 90। ठीक है ना यहां तक? अब बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअल में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बन कैसे रहे हैं, और एक्चुअल में जो जो मेनिस्कस है उसके बनने का रीजन भी क्या है, उससे भी क्लियर हो रहा होगा। जो मेनिस्कस बनते हैं वो क्यों बनते हैं, वो इसीलिए बनते हैं ना। मेनिस्कस कहां बनते हैं? कॉर्नर्स में बनते हैं। और मेनिस्कस क्यों बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस, कोहेसिव एंड एडहेसिव। और इसमें ये लिक्विड स्टिक नहीं करेगा या कोशिश करेगा कि ये स्टिक ना हो, पॉइंट नंबर वन। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा वो क्या रहेगा? मरकरी। पहला स्टेप क्लियर है सबको? ठीक है ना यहां तक? केस नंबर टू देख लो फिर। अगर आप केस नंबर टू की बात करते हो तो केस नंबर टू में आपके पास कौन सा केस है? एफ ऑफ कोहेसिव का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इज लेस देन एफ ऑफ एडहेसिव। ठीक है ना यहां तक? और इसमें ये वही कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ था, बट इसके अंदर अभी हमने क्या कहा, एडहेसिव बड़ी है, कोहेसिव छोटी है। सोचो इस कमरे में पानी है और दीवार यहां तक पानी है, बिल्कुल ऐसी था। दीवार ने इसको खींचना शुरू कर दिया उस तरफ, अपनी तरफ, पानी को जो कॉन्टेक्ट में। पानी दीवार के बाहर तो पास होगा नहीं, क्या होगा? थोड़ा सा राइज हो जाएगा। इसको खींच रहे हो, जगह मिल नहीं रही, फोर्स लग रही है, तो क्या होगा? थोड़ा सा राइज हो जाएगा। समझ आ रहा है? पानी का मेनिस्कस ऊपर की तरफ क्यों हो रहा है? क्योंकि कंटेनर उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। खींचने के चक्कर में वो क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ, कंकेव मेनिस्कस बोलते हैं उसे। तो उस केस में आपका जो मेनिस्कस है वाटर का, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। हाँ, बीच में फ्लैट है, बीच में कुछ नहीं है। जो बीच में है वो कौन सा? ग्लास के कॉन्टेक्ट में है। तो अब अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यहां पर बनाया जाए तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट येरा थीटा, विच इज लेस देन, एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? बात समझ में आ रही है? ये जो फोर्सेस है एक्चुअल में वो कैसे अपना रही है? ठीक, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे चेंज हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं? फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने करवाया था वो था वेटिंग। कौन सरफेस को गीला करेगा, कौन सरफेस को गीला नहीं करेगा, स्टिक करेगा। याद है मरकरी? मरकरी गीला नहीं करती सरफेस को, गोल स्फीयर बना लेगी, ऊपर को आ जाएगी। पानी को गेरोगे तो वो फ्लैट होने की कोशिश करेगा, फैल जाएगा। ठीक, पानी भी बहुत ज्यादा नहीं फैलता, पर हाँ फैलता तो है। मींस अगर आप उसके कॉर्नर देखोगे तो एकदम गोल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक, तो इसके अंदर फॉर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लेस देन 90, और इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपको? वॉटर, जिसके अंदर अभी मैंने कहा कि मान लो एक लिक्विड का ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप है, और इस लिक्विड के ड्रॉप को अगर मैं गेरू नीचे की तरफ तो जो वाटर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, मींस थोड़ा फैलेगा। और इसको और बड़ा बनाना है, फैलाना है तो फैला दो, बस ये याद रहे कि कोई भी अगर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट से जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा वो लेस देन 90 आ गया ना, लेस देन 90। ठीक है ना यादव? ऑब्वियसली अगर वो सॉलिड के ऊपर गिर भी जाएगा तभी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा ना। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए लिक्विड चाहिए और साथ में सॉलिड भी चाहिए, वही बनता है ना एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। सॉलिड के साथ कॉन्टेक्ट में क्या एंगल बनाया, ज्यादा क्लियर है? उसी तरीके से अगर एंगल ग्रेटर देन 90 है और आप इस ड्रॉप को घेरते हो, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? मरकरी है। तो मरकरी की शेप कैसी बनेगी? नीचे कॉन्टेक्ट में कम, हवा में ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहां पर, तो मरकरी के अंदर दिस एंगल इज ग्रेटर देन, यहां करोगे तो भी दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल क्लियर है ना कि मरकरी के केस में ऐसा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्यों बनता है? ठीक है ना यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ रही है बात? मेरे ख्याल से बेटर है ये थोड़ा उससे आपकी बुक्स में इतना ही गिवन होता है, बस वो वैसे मेनिस्कस बना गया, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आंसर आ गया, बट एक्चुअल में जो डेप्थ है वो यहां तक है। ठीक, अब इसके बाद, इस टॉपिक को करने के बाद मैं इसे पेन ड्राइव में ले जाना प्लीज, जो मैं लिख रहा हूं। अगर आप नहीं भी लिख रहे तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो, मैंने बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है।
पेनड्राइव में ले जाना, अगर फोटो कॉपी करवाना है तो फोटो कॉपी करवा लेना जैसे आपको ठीक लगे। ठीक, नेक्स्ट है, आपकी बुक्स में नहीं है, आपकी कोई बुक में नहीं है, बोलो। हनी तो ये तो सारे नॉन डिस्कस लिक्विड्स है ना, कैपिलरी एक्शन हनी में देखा है, शहद को तो अगर धक्का मारेंगे मोटर लगा के तो भी नहीं चढ़, मुश्किल हो जाएगी, नहीं चढ़ेगा। ये सारे नॉन विस्कस लिक्विड्स हैं, सरफेस टेंशन नॉन विस्कस लिक्विड में होगी, हनी को क्या, उसमें तो आप वैसे ही इतना गाढ़ा है उसमें नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कभी मैंने ईटा यूज किया इसमें चैप्टर में, नहीं यूज किया ना, इसका मतलब नॉन विस्कस ही है, नहीं तो फिर ईटा भी बीच में आ जाता, उसको नेग्लेक्ट ही कर दिया ना, बहुत पतले लिक्विड है इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज दी कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन हमने क्या किया था, कैपिलरी एक्शन में सरफेस टेंशन ड्रॉ कर दो, सरफेस टेंशन से एकदम टी कॉस थीटा ऊपर एक्ट करता है, टी कॉस थीटा ऊपर एक्ट करता है, तो फटाफट हमने किया 2 पाई आर, आंसर आ गया। ठीक, पर एक्चुअल में अगर आप सही में कॉन्सेप्ट समझो तो नो डाउट सरफेस टेंशन तो अपना रोल प्ले करती करती है, बिना सरफेस टेंशन के तो आंसर नहीं मिल सकता। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, प्रेशर्स, प्रेशर से। अगर किसी ट्यूब में पानी मूव कर रहा है या लिक्विड मूव कर रहा है तो एक चीज तो पक्का है, देयर इज सम प्रेशर का डिफरेंस। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा पानी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया, तो कहीं ना कहीं तो प्रेशर डिफरेंस है, चाहे वो सरफेस टेंशन की वजह से है जिससे कि पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दिस इज अ कंटेनर। ठीक, सपोज ये कंटेनर है और मान लो एक मिनट के लिए कि ये आपकी एक कैपिलरी है। याद रहे एक चीज, जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसका रेडियस बहुत 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 छोटा होता है। आप कहो कि मैं तो एक ड्रम लेके आया हूं, वो एक कैपिलरी है, और मैं उसको अगर किसी उसमें किसी चीज में डाल दूं टब में या एक तो सर पानी ऊपर चढ़ नहीं रहा, नहीं उसमें नहीं चढ़ेगा। कैपिलरी एक्शन बहुत छोटे लेवल पे होते हैं। जैसे आप कोशिश करो किसी चीज में कोई लिक्विड कंटेनर में पड़ा हुआ है, आपने वो छोटी सी पाइप होती है ना पेट्रोल जिससे वो करते हैं ट्रांसफर करते हैं, या वो बेसिकली क्या है, बड़ी पाइप्स के साथ क्यों नहीं कर लेते, तो छोटी पाइप में प्रेशर डिफरेंस, वो आपने देखा होगा हल्का सा, अगर आप वाटर को या किसी चीज को एकदम उसका एयर निकाल दोगे तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बाहर और अंदर को, और पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो क्या है, वो बेसिकली कैपिलरी एक्शन है। कैपिलरी का मतलब अपने आप क्या होना, अपने आप चीज का चढ़ना। वापस लेता हूं, ड्रम को ले लेना, ठीक, बस उसके ऊपर प्रेशर डिफरेंस डेवलप कर देना किसी तरीके से, फिर आपका ड्रम के अंदर भी पानी ऊपर जाएगा। या मोटी सी पाइप ले लेना, उसके अंदर पानी जाएगा, लेकिन अगर आप मेंटेन कर पाओगे प्रेशर डिफरेंस, जो कि बहुत मुश्किल है यार, मशीन ही कर पाएगी, एक आम अगर ऐसे होता तो फिर तो हर कोई छोटी पाइप का यूज करता, बड़ी बड़ी पाइप से ही ना कंटेनर खाली हो जाते। तो मींस अगर आप पाइप बड़ी करोगे तो यू हैव टू मेंटेन अ प्रेशर डिफरेंस, जो कि आम फिर प्रेशर डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। छोटी पाइप्स में तो आप खुद ही हवा निकाल सकते हो और प्रेशर डिफरेंस मेंटेन कर सकते हो, बड़ी बड़ी पाइप्स में कैसे करोगे, बट निकल सकता है, निकल सकता है। बट कैपिलरी एक्शन कुछ ऐसा एक्शन है जिसके अंदर तो पानी अपने आप ही चढ़ना शुरू हो जाता है। कम से कम ये नहीं हो सकता बहुत बड़ी आप ट्यूब ले लो और पानी अपने आप चढ़ जाएगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, छोटे लेवल पे ऐसा हो जाता है, बिकॉज सर्फेस टेंशन डेवलप हो जाती है छोटी सर्फेस। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे छोटे लेवल पे क्यों होता है और बड़े लेवल पे क्यों नहीं होता, मैं इसका आंसर भी आपको देके दिखाऊंगा, ठीक, मैथमेटिकली, वो भी मैथ्स की हेल्प से। तो पहले मैं अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूं। सपोज करो कि आपका जो पहले मेनिस्कस ड्रॉ करें, जो कि बहुत जरूरी है, और मैं एग्जांपल किसका ले रहा हूं, पहले पानी का, वाटर का मेनिस्कस की जो शेप है अभी अभी डिस्कस की थी, ऐसी होगी ना कॉर्नर से, फिर फ्लैट हो जाएगी क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं होगा, और फिर एक बार फिर से ऊपर हो जाएगी। याद रहे बड़े कंटेनर मेनिस्कस राउंड नहीं होते, बड़े कंटेनर में कॉर्नर पे तो राउंड होते हैं लेकिन बीच में फ्लैट हो जाते हैं। ठीक हो गया यहां तक, नेक्स्ट यहां पर आ जाएं, सिमिलरली इस पॉइंट में भी ये फ्लैट हो गया और ये फिर से एक बार ऊपर हो गया। ठीक हो गया यहां तक, कोई डाउट किसी को इसमें, अब कॉन्सेप्ट एकदम समझ आ रहा है ना, एकदम ज्यादा बेटर तरीका है इसको समझने का,
नेक्स्ट है, सपोज आप एक पॉइंट लो, लेकिन पॉइंट से भी पहले एक और काम करो, आप पहले पानी का मलिस का स्टॉक कर लो। मान लो एक मिनट के लिए आपका जो वाटर है इसके अंदर वो कुछ ऐसे है। आप कहोगे सर इसमें आपने फ्लैट ही नहीं किया, सब में फ्लैट किया, कॉर्नर से फ्लैट किया, जब यहां मलिस्कस ड्रॉ करने की बारी आई कॉर्नर से तो आपने राउंड कर ही दिया और बीच में से भी राउंड कर दिया, ऐसा क्यों? कैपिलरी ट्यूब बहुत 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 छोटी है, उसमें मलिस्कस फ्लैट कैसे होगा? फ्लैट होने की कोशिश करेगा फिर से राउंड आ जाएगा। ठीक बोल रहा हूं ना? बिल्कुल क्लियर है। अगर फ्लैट होने की जगह तो चाहिए, इतनी जगह ही नहीं है, वो पहले राउंड था फिर दूसरा राउंड होने शुरू कर दिया, इसका मतलब कैपिलरी ट्यूब के अंदर तो मलिस्कस प्रॉपर बनेंगे, यहां तक क्लियर है? और जिसका कोई पर्टिकुलर रेडियस भी होगा, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, अब सपोज करो मैं तीन पॉइंट्स ले रहा हूं, मेरा जो पहला पॉइंट है, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो सपोज एक पॉइंट है बी पॉइंट, मान लो दिस इज सम बी पॉइंट, मान लो दिस इज सम ए पॉइंट, एंड सपोज दिस इज सी पॉइंट, कोई डाउट है इसमें? ठीक, अब एक चीज समझते हैं जिसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, प्रेशर्स का कॉन्सेप्ट बहुत जो है तंग करता है, प्रेशर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी, और प्रेशर कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेता है, कभी 2T/R ले लेता है, कभी पी एटमॉस्फेरिक माइनस 2T/R लेता है, कभी पी एटमॉस्फेरिक प्लस 2T/R लेता है, कभी एचरोजी ले लेता है। पहले इस कहानी को ना सॉल्व करते हैं कि एक्चुअल में कब कौन सा प्रेशर लेना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको दो मिनट के लिए ब्रेक देके प्रेशर पे आ जाए दो मिनट के लिए। प्रेशर की एक बड़ी सिंपल कहानी है, अगर आपका कोई भी पॉइंट एयर के अंदर है, बस एयर के अंदर है, पानी के अंदर नहीं है, तो इस पे हमेशा प्रेशर क्या लगेगा? पी एटमोस्फेयर। ठीक है, पी एटमोस्फेयर, बड़ी काम की चीज बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आज का पूरा लेक्चर बहुत ही, कुछ लेक्चर होते हैं जो बड़े जिसमें शायद बहुत निकल के आता नहीं, कुछ लेक्चर होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंट ज्यादा होते हैं, आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, और वो इसलिए कंटेंट ज्यादा है क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बुकलेट्स को देख के बनाए गए, ये थ्योरी को देख के नहीं ना, ये उल्टा है, पहले सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके उनमें से चीजें बनाई गई हैं। तो देखो पहला केस क्लियर है, दूसरा केस करें नेक्स्ट, अगर सपोज करो ये वाटर का सरफेस है, आपका पॉइंट पानी के अंदर है एच डिस्टेंस पे, तो बोलो यहां प्रेशर कितने? एच रो जी, वे रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड जो भी है। बस आप कहोगे सर आपने तो अभी तक यही बताया हमें, मैंने तो कुछ और नहीं बताया ना, मैंने यही बोला था ना, अगर आप सरफेस ऑफ ये तो प्रेशर डिफरेंस है, पर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं तो प्रेशर पूछ रहा हूं, ठीक है ना यहां तक? तो बोलो फिर इस पॉइंट में प्रेशर कितना है? एटमोस्फेरिक, सिंपल एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो आप अगर ये सोचो मैं लिक्विड के अंदर चला जाऊंगा एटमोस्फेयर मेरे को छोड़ देगा, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा, लिक्विड के ऊपर कौन है? एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह है ही है, ठीक हो गया, उल्टा लिक्विड के अंदर जाके उल्टा और प्रॉब्लम हो गई, उस पॉइंट पर एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट की वजह से जो प्रेशर था एचरो जी वो भी आ गया, या तो क्लियर है। अब अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पर प्रेशर कितने, पॉइंट पर ये तो लिखने लिखने है ना, ये तो लिखने लिखने, प्लस रोजी एच छोड़ दें, एच कितना हो गया सरफेस से? जीरो, तो फिर आंसर क्या आया? पी, आंसर आ गया पी एटमॉस्फेयर, ठीक है ना यहां तक? तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर या ऊपर और ऊपर जाओगे तो पी एटमॉस्फेयर, नीचे आओगे तो पी एटमॉस्फेरिक से ज्यादा। एक काम करो इनका डिफरेंस निकालना, क्या गया एच रोजी, अब ठीक है। तो अब किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रेशर डिफरेंस के साथ भी काम करेंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुकलेट्स हैं वो पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पूछेंगे, तो पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्लियर है, सेकंड केस भी क्लियर है प्रेशर का। थर्ड केस करें और कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रेशर पे। तीसरे केस में क्या आएगा आपको कि सपोज करो एक लिक्विड है जिसका मेनिस्कस राउंड है, कुछ इस तरीके से है, एक मेनिस्कस है मींस कोई लिक्विड है, और मान लो कंटेनर के अंदर लिक्विड है, ऐसे नहीं हवा में नहीं है, ये कंटेनर है, इसका मेनिस्कस है, वाटर का मेनिस्कस ऐसे ही तो होता है, ठीक है, ऊपर क्या है एयर, नीचे क्या है वाटर, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब मान लो कोई पॉइंट यहां पर ले लिया मैंने,
और हाँ इसका रेडियस जो होगा इस मेनिस्कस का लेट से कितने है आर, और लिक्विड की सरफेस टेंशन कितनी है टी। ठीक, अब मुझे सिर्फ एक चीज बताओ इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। मैं पहले एक काम करूं, मैं पी एटमोस्फेरिक तो इस पे लिख ही दूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या, अगर मैं कोई पार्टिकल यहां लेता हूं हवा में एयर में, तो यहां तो पक्का ही है सिर्फ यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं पानी के अंदर आ चुका हूं तो क्या मैं हाइट निकाल लूं, हाइट कितनी हाइट नीचे आ गया, ऐसे कैसे हाइट निकालूं। फिर हमने बबल्स में ड्रॉप्स में 2T/R 40R/R क्यों किया था, इसी दिन के लिए तो किया था, क्योंकि जो हाइट के साथ प्रेशर निकलता है वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो लेक का प्रेशर है जिसमें आप पानी के नीचे जा चुके हो एट अ डिस्टेंस ऑफ h, और वहां पर आप h रो g कर रहे हो। मैं ग्रेविटी का प्रेशर नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं तो सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूं, जो कि क्या होगा अच्छा ठीक, फ्री सरफेस कितनी है, एक है। फ्री सरफेस कैसे कैलकुलेट करते हो, नीचे पानी है ऊपर एयर है, एक ही फ्री सरफेस है, सरफेस टेंशन होगी तो सरफेस के ऊपर होगी और तो कहीं हो नहीं सकती, तो क्या मैं इसमें 40R यूज कर सकता हूं, नहीं। मैं इसमें क्या यूज करूंगा, 2T/R, क्योंकि जब 2T/R तब यूज करना है व्हेन अ लिक्विड ड्रॉप और लिक्विड बबल हैज सम रेडियस आर, उसके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है आप 2T/R और 40R से निकाल सकते हो। देखो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसा केस किया था अभी, जैसे मान लो ये एक बबल है, हमने एक्चुअल में किया क्या था, ये तो किया था कि बाहर से इसके ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहे हैं, अंदर से इसके ऊपर प्रेशर इनसाइड लग रहे हैं, और हमने डिस्कस किया था प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एटमोस्फेरिक, हमने ऐसा किया था ना, और कितना, क्योंकि ये बबल है तो आंसर क्या आएगा 4T/R, तो प्रेशर इनसाइड क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस 40R, हमने इसी दिन के लिए किया था ना, कि जब अगर रेडियस आर गिवन हो बबल का ड्रॉप का, तो फैक्टर्स में हमें कोई मैथ्स यूज ना करना पड़े, हमने सीधा ही एक शॉर्टकट कर लिया कि 2T/R या 40R से अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है यहां तक, और ऐसी अगर ये अगर इसमें एक ही फ्री सरफेस हो और सपोज ये ड्रॉप हो, एक फ्री सरफेस का मतलब ये ड्रॉप है तो इसका मतलब है कि इनसाइड का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होगा, और इनसाइड का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कितना बड़ा होगा, 2, एक फ्री सरफेस पे 2T/R। ठीक है ना यहां तक, पर मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन इसमें यह है कि इसमें मेरे को ये वैल्यू निकालनी है कि इस ये अगर ए पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट है, बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस 2T/R, पी एटमोस्फेरिक प्लस 2T/R, कुछ ऐसा लिखूं, ये पता लग गया कि इसमें 2T/R फैक्टर आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2T/R ने आना है ना, पर ये नहीं समझ आ रहा ना कि नीचे प्रेशर पी एटमोस्फेरिक प्लस 2T/R करूं या फिर पी एटमोस्फेरिक माइनस 2T/R करूं। इसके लिए मेरे को बड़ा अच्छा तरीका है, एक काम करते हैं, सोचो पानी की सरफेस थी सीधी ऐसी, ठीक, मैंने कुछ स्टूडेंट को कहा कि आपने क्या करना है, पानी के ऊपर ऊपर जाके एक मान लो लेयर है, इमेजिन करो ऐसी एक जंपिंग टॉय जैसे बच्चे खेलते हैं, आपने क्या करना है, और फ्लेक्सिबल है, आपने जंप करना है, प्रेशर लगाना है ऊपर, लेट से आपने वो बॉक्सिंग करके मुक्के मार मार के उसकी शेप खराब करनी है, क्या होगा, शेप कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी ना जैसे दिख रही है, कोने से बांध देते हैं, मॉलिक्यूल्स खींचेंगे ग्लास के, उसको वो नहीं छोड़ेंगे आपको, और आप ऊपर से क्या कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो। ठीक है यहां तक, चीज तब इस शेप में होगी जब ऊपर का प्रेशर ज्यादा नीचे का प्रेशर कम होगा, तो क्या मैं इसमें पी एटमोस्फेरिक प्लस 2T/R ऐड कर दूं, अरे प्लस करूंगा तो शेप उल्टी नहीं हो जाएगी, तो यहां पर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक माइनस 2T/R। ये पॉइंट सबको समझ आया, ये बेस्ट तरीका है जज करने का कि प्रेशर कम होगा या प्रेशर ज्यादा होगा, क्या सही तरीका है ना, बस वहीं से देख लेना है कि कहां जंप लगी, ऊपर जंप लगी, ऊपर प्रेशर ज्यादा लगा तो बाहर का प्रेशर ज्यादा और अंदर का प्रेशर कम। ठीक है यहां तक, तो इसमें ये क्लियर है, बोलो, सरफेस कैसी थी, ऐसी थी, जब सरफेस ऐसी है तो उस केस में पी एटमोस्फेरिक बाहर, पी एटमोस्फेरिक अंदर,
हाइट का फैक्टर छोड़ दो, एचलोजी हम ले नहीं रहे इसमें, बहुत पतली ट्यूब है उसमें ग्रेविटी का ज्यादा इफेक्ट है नहीं, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, अंदर बाहर मतलब ये काफी क्लोज है लेट से पानी की सरफेस के, हाइट निगलेक्टेड है, बराबर है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं ऊपर से प्रेशर लगा दूं ज्यादा, और मान लो नीचे का प्रेशर कम ऊपर का ज्यादा, तो शेप ऐसी हो गई, शेप ऐसी तभी होगी जब ऊपर का प्रेशर ज्यादा नीचे का कम, तो मैंने तो बराबर किया हुआ था, और अगर शेप ऐसी हो गई तो इसका मतलब इसका प्रेशर पक्का कम है, और कितना कम है, जितना इसका रेडियस चेंज हो गया कितना आर, तो 2T/R से कम हो गया, ठीक हो गया। यहां तक जितना आर बढ़ता जाएगा मेनिस्कस नीचे जाता जाएगा उतना ही ये डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू आप देखते रहना ज्यादा होगी या कम होगी, बट पॉइंट क्लियर है यहां तक कैसे चेक करना है, कोई डाउट इसमें, वापस आ जाए अपने उस एग्जांपल पे। लेकिन उससे पहले एक चौथा केस और बना लेते हैं, फोर्थ केस में लेट से मेनिस्कस उल्टा है, ये देखो मेनिस्कस उल्टा है, ये ए पॉइंट है जहां पर प्रेशर कितना है पी एटमोस्फेरिक, बी पॉइंट है वैसे अगर सरफेस फ्लैट होती तो पी एटमोस्फेरिक, यानी कि नीचे का प्रेशर ज्यादा है ऊपर का प्रेशर कम है तभी शेप ऐसी बनी, नीचे से कोई ज्यादा धक्का लगा रहे उस तरीके से, पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पी एटमोस्फेरिक माइनस 2T/R, ओके सॉरी प्लस 2T/R, विच मीन्स कि नीचे का प्रेशर ज्यादा है ऊपर का प्रेशर, ठीक हो गया ना, अब कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, ठीक है यहां तक। ये चार केस हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और हाँ एक लास्ट केस और कर लेते हैं। अगर सपोज करो कंटेनर है, वाटर है, और इसमें मान लो मैं एच हाइट नीचे आ जाता हूं यहां पर, तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, ठीक हो गया ना। अब जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये ना प्योरली स्केलर भी नहीं है और प्योरली वेक्टर भी नहीं है। अब प्रेशर की ये प्रॉब्लम है कि प्रेशर किस तरफ लग रहा है, हम बात करते हैं हम डायरेक्शन की बात करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, हम डायरेक्शन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पर प्रेशर की, यहां पर टोटल प्रेशर पी है, कई डायरेक्शन एग्जिस्ट कर सकती है, प्रेशर यहां भी है, प्रेशर यहां भी है, प्रेशर यहां भी है, प्रेशर यहां भी है, प्रेशर हर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर सकता है, और अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो हर डायरेक्शन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसलिए प्योरली वेक्टर नहीं हो सकता, वेक्टर की डायरेक्शन तो एक ही होती है लेकिन इसकी तो मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, तो ये प्योरली वेक्टर नहीं है। तो अगर कोई पानी का पार्टिकल मैं इसके कोने पे ले लूं एट अ हाइट ऑफ एच, लेट्स से यहां ले लेते हैं एट अ हाइट ऑफ एच, तो इट मींस यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर और यहां पर प्रेशर विल बी सेम। तो कोई पूछ रहा था कि दीवार के ऊपर प्रेशर क्या होता है, अब कोई स्टूडेंट ये पूछ रहा था कि डैम है, अगर आप वॉल्स के ऊपर प्रेशर सेम लेते हो, अगर आपको याद होगा हमने वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स की थी, एफ्लक्स के अंदर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि ऊपर प्रेशर नीचे प्रेशर सेम है और काम खत्म कर दिया। मैं आज आपको उसका भी आंसर दूंगा इन डिटेल कि वो प्रेशर्स हमने इक्वल क्यों किए, और प्रेशर्स कई बुक्स क्या करती हैं, एवरेज प्रेशर ले लेती हैं, कई बुक्स इसमें क्या करेंगे एवरेज प्रेशर ले लेंगी कि एवरेज प्रेशर वॉल्स के ऊपर सेम है, लेकिन वो बहुत बड़े कंटेनर्स के लिए नहीं होता, छोटे कंटेनर में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर वॉल्स के ऊपर सेम कर देती है। बट एग्जैक्टली सेम कैसे हो सकता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर की वैल्यू भी हर पॉइंट पर इंक्रीज होगी, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने प्रेशर यही लिखना है चाहे किसी भी पॉइंट पर पूछ लिया जाए। अब ठीक है यहां तक, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना। तो प्रेशर के बाद हम अपने कैपिलरी एक्शन पे आ जाते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट तो आप खुद ही मुझे आंसर दे सकते हो, अगर मैं ए पॉइंट पर पूछूं कि प्रेशर कितने है तो बोलो पी एटमोस्फेरिक, अगर मैं सी पॉइंट पर पूछूं पी एटमोस्फेरिक, एच तो लेना नहीं निग्लिजिबल कर दो कुछ नहीं है, कुछ और प्लस 2T/R की माइनस 2T/R, ऐसे कैसे माइनस 2T/R, बोला था मेनिस्कस तो फ्लैट है ऊपर, ये मेनिस्कस ये बीकर बड़ा है, कैपिलरी छोटी है, बीकर थोड़ी ना छोटा है, याद रहे मैंने बताया था यहां मेनिस्कस पूरा क्योंकि कैपिलरी बहुत छोटी है, यहां मेनिस्कस कॉर्नर्स थे लेकिन बीच में सरफेस क्या फ्लैट, अगर बीच में फ्लैट सरफेस है तो रेडियस एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिक्स में जब रेडियस कोई भी सरफेस अगर फ्लैट है तो उस केस में उसका रेडियस क्या लिया जाएगा, एक फ्लैट सरफेस है इसका रेडियस जीरो नहीं,
इन्फिनिटी। तो जो सरफेस का रेडियस माना जाता है वो इन्फिनिटी माना जाता है। ये हम ऑप्टिक्स में भी करेंगे, प्लस टू के अंदर आता होता है कि अगर एक प्लेन ग्लास है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग सर्फेस होती है, मीन्स कन्वेक्स कनकेव, एक प्लेन भी होती है, प्लेन के लिए रेडियस इन्फिनिटी माना जाता है। तो अगर ये इन्फिनिटी है तो मेरे को एक चीज बताओ कि सी पॉइंट के ऊपर, अभी किसी ने बोला था कि सर पी एटमोस्फेरिक में से क्या करो, माइनस टू टी बाय आर, टू टी बाय रेडियस बना ही नहीं, रेडियस बना नहीं तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, यानी कि ये फैक्टर क्या हो गया, तो यानी कि सी पॉइंट के ऊपर भी प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक। मैंने इसका छोटा हो गया ना, ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। यहां तक मैंने इसका बना ही नहीं रहा था, छोटा नहीं, कॉर्नर्स में बन गया, बीच में बना ही नहीं, कोई डाउट इसमें। तो लास्ट पॉइंट है बी पॉइंट। अब बी पॉइंट में प्रॉपर मेनिस्कस बना हुआ है ऑफ रेडियस आर, क्योंकि कैपिलरी छोटी है। तो बी पॉइंट के केस में बोलो प्रेशर पी एटमोस्फेरिक माइनस, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है ना, यहां तक आंसर मिल गया। पानी ऊपर चढ़ेगा, पानी इसलिए ऊपर चढ़ेगा क्योंकि साइड पे प्रेशर ज्यादा है और बी पॉइंट पर प्रेशर कम है। बी पॉइंट पर पी एटमोस्फेरिक माइनस टू टी बाय आर है और बीकर के अंदर वैसे कितने पी एटमोस्फेरिक, तो आप खुद सोचो अगर आप सी पॉइंट को और नीचे लेते हो और हाइट भी ले लेते हो तो उल्टा हो तो और भी अच्छा, एच रूप ऐड हो जाएगा, उल्टा प्रेशर बीकर के अंदर और बढ़ गया, ठीक। यानी कि साइड में जो पार्टिकल्स हैं उनका प्रेशर बी पॉइंट से तो हर हालत में ज्यादा होगा ही होगा। तो पानी क्या करेगा, कैपिलरी एक्शन के अकॉर्डिंगली ये वाटर ऊपर राइज करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट इसमें, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर समझ आ रहा है कि कैपिलरी एक्शन हो कैसे रहा है एक्चुअल में, बट एक प्रॉब्लम है। मैंने सरफेस टेंशन की तो बात ही नहीं की, कहा है सरफेस टेंशन आपकी, मैं तो बस प्रेशर से एक्सप्लेन कर गया पूरे का पूरा कि चलो सरफेस की जो आपका जो प्रेशर डिफरेंस है जो पानी के ऊपर चढ़ा गया, मैंने बात की सरफेस टेंशन की टूटी बाय आर नहीं है, टूटी बाय आर क्यों है, मेनिस्कस ऐसा बना क्यों था एक्चुअल में बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। आप एक काम करो, मेनिस्कस छोड़ दो, नहीं लेनी सरफेस टेंशन, चैप्टर क्लोज करो, टी को जीरो पुट कर दो, हर पॉइंट पर एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक, पानी कहां से ऊपर चढ़ेगा, हर पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये सारा रोल कौन प्ले कर रहा है, सरफेस। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें, तो पानी को ऊपर लेके जाएं, अब ऊपर चढ़ा दो, ये लो ये वाटर को आपने ऊपर चढ़ा दिया, और जो वाटर ऊपर चढ़ा लेट से इसका ऊपर मेनिस्कस बनाते हैं, ऐसा सेम मेनिस्कस ऊपर चढ़ गया, ये लो सेम वैल्यू ऊपर चढ़ गई, ये लो, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना। यहां तो इसके अंदर ये जो इक्वेशन है ये बिफोर वाटर राइज की है, जब पानी ऊपर नहीं चढ़ा था। अब जो मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूं वो आफ्टर, कि सपोज पानी यहां तक चढ़ गया तो अब मैं आफ्टर जब पानी ऊपर चढ़ गया उसकी वैल्यूज बनाने वाला हूं, इक्वेशन बनाने वाला हूं। तो देखो वही पॉइंट और ए ऊपर शिफ्ट कर लिया मैंने, पानी के नीचे कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, वही ए और बी पॉइंट फिर से बना दिए मैंने। अब पहले नीचे बनाए थे जब मेनिस्कस नीचे था, अब मैंने ऊपर बना दिए, इसको भूल जाओ, अब कुछ नहीं है यहां पे, ऊपर हो गया, ठीक है यहां तक। और जो आपका वाटर है वो कितना राइज हो गया, सपोज वाटर राइज हो गया टू अ हाइट ऑफ एच, एच लोअर मेनिस्कस से, ठीक है यहां तक, ठीक। अब एक बार आफ्टर की बात करें तो आफ्टर के केस में मुझे एक चीज बताओ, सी पॉइंट का और बी पॉइंट का प्रेशर में डिफरेंस था, सी का प्रेशर बी के प्रेशर से ज्यादा था, जैसे जैसे कैपिलरी में पानी ऊपर चढ़ रहा है एच रोजी फैक्टर ऐड हो रहा है, उसका बी पॉइंट का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब सी का प्रेशर और बी का प्रेशर किसी इंस्टेंट पे जाके क्या हो जाएगा, सेम, तो पानी राइज करना बंद कर देगा। पानी राइज क्यों हो रहा है, जब तक राइज करता जाएगा जब तक उसकी वैल्यू की प्रेशर की वैल्यू भी सी के इक्वल ना हो जाए। तो मान लो ऐसा पॉइंट आ गया आफ्टर पी बी इज इक्वल टू पी सी, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो सी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट के ऊपर, या मैं ऐसा करूं कि पी बी इज इक्वल टू पी सी की जगह वैल्यू की जगह मैं ऐसे लिखता हूं, पहले क्या था, पहले
पी सी वॉज नॉट इक्वल टू पी बी, पहले सी का और बी का प्रेशर सेम नहीं था, मानते उस चीज को? ठीक। अगर मैं अब की बात करूं कि मान लो एच हाइट पर ऐसा हो गया कि जब पीसी की वैल्यू लेफ्ट और राइट साइड को इक्वेट करने, तो ऐसा करें पीसी की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं, सी पॉइंट तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अगर मैं पुरानी बी की पीबी की वैल्यू में, पुरानी वाली जो कि कम वैल्यू थी, उसमें एच रोजी एड कर दूं, बात बन जाएगी। पीसी पीबी के इक्वल नहीं था, पीबी में कोई फैक्टर एड करेंगे ताकि वो पीसी के इक्वल हो जाए, और वो फैक्टर क्या होगा? एच रोजी। व्हाट अबाउट इसमें? ठीक है। और पीबी की वैल्यू थी कितनी? पीबी की वैल्यू ये रही, पुट कर दो, मैं यहां लिख लेता हूं, चलो पी ऑफ बी प्लस एच रोजी इज इक्वल टू पीसी। पीसी का मतलब पी एटमोस्फेरिक, एच रोजी, पीबी का मतलब क्या था? पी एटमोस्फेरिक माइनस पुटी बाय आर, वैल्यूज पुट कर दी। एटमोस्फेरिक से एटमोस्फेरिक प्रेशर कैंसल, टू टी बाय आर इज इक्वल टू एच रोजी, या एच इज इक्वल टू टू टी आर रोजी। समझ आ रही है बात? फॉर्मूला बनता भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है यहां तक? अभी बना नहीं। अभी एक चीज नोट की, मेरा एक्सप्रेशन किस आर की किस फॉर्म में बना? कैपिटल आर। और कैपिटल आर का मतलब क्या था? किसका रेडियस? कैपिलरी का। मैंने कैपिटल का रेडियस यूज ही नहीं किया अभी। किसका रेडियस था? मेनिस्कस का। ट्यूब कैपिलरी के अंदर पानी कितना कर्व है, उसका मेनिस्कस था आर। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक। पर हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो लिक्विड के मेनिस्कस में निकलता नहीं है, वो किसमें निकलता है? कैपिलरी के रेडियस में निकलता है। तो एक काम करते हैं, पुराने इस फिगर में जाते हैं। इमेजिन करो एक मिनट के लिए, आगे देखो मैदान। इमेजिन करो आपका ये मेनिस्कस था जिसका रेडियस आप कैपिटल आर बोल रहे हो। आप एक काम करो, इसको कंप्लीट कर लो। इमेजिन करो कि अगर ये स्फीयर होता, अगर ये होता तो ऐसा होता, अगर ये स्फीयर होता तो ऐसा होता, ठीक है यहां तक? और इसका जो रेडियस होता ये वाला, ये कितना होता? कैपिटल आर, जो हम बार बार कह रहे हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर। मेनिस्कस का रेडियस, मेनिस्कस का रेडियस है क्या? आप मेनिस्कस को पूरा स्फीयर बनाओ तो सही, सर्कल बनाओ तो सही, तभी रेडियस दिखाई देगा, और रेडियस कैपिटल आर। यहां तक क्लियर है? एंड एक और चीज, जो कैपिलरी है उसका रेडियस कितने? स्मॉल आर। इसको ज्वाइन कर दें, राइट एंगल। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, याद है थ्योरी में किया था, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, मेनिस्कस का टेंजेंट और सॉलिड के बीच में एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर ये थीटा तो ये एंगल 90, माइनस थीटा तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। तो ये एंगल थीटा बन गया, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब हमने ऐसी फिगर बनाई थी। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ठीक लिखाना है, यहां तक ऊपर वाला कैपिटल आर है, नीचे वाला बेस स्मॉल आर है, क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर जो कॉस थीटा की वैल्यू जो अभी हमने निकाली, ये रहा, हमने कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली अभी? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय, जरा यहां पुट करना। जब आप इसे पुट करोगे यहां पे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास वैल्यू आएगी एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा आर रो, याद करो ये एक्सप्रेशन था ना, ये बेटर एक्सप्रेशन है, अगर पेपर में आ जाए वैसे ऐसे प्रूफ करोगे ज्यादा बेटर है, ठीक है ना? उससे कर दोगे वो भी गलत नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में, आपकी सारी बुक्स में वही मेथड यूज किया गया, टू टी टी कॉस थीटा वाला, बट ये ज्यादा अच्छा मेथड है। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है एकदम, कि काफी चीजें इसमें क्लियर हुई है, प्रेशर्स की, इसमें कई ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे आपके कम से कम। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? ठीक है, हाँ हाँ, ये मेरे से ले जाना, बिल्कुल क्लियर डायग्राम है, आप इसमें लिख सकते हो। ठीक, पेन ड्राइव में ले जाना चाहे, अपने प्रिंट निकाल लेना, उसमें स्टोर कर लेना। ठीक, नेक्स्ट है, अभी ये पूरा एग्जांपल चल रहा था थीटा लेस देन 90 वाटर वाला एग्जांपल था। अब एक काम करते हैं, ये वही कंटेनर है आपका, इस कंटेनर में ये आपकी कैपिलरी है। अगर मैं बात करूं थीटा
सेकेंड केस थीटा ग्रेटर देन 90, तो मेनिस्कस बनाए। कॉर्नर से जो मेनिस्कस बनेगा वो थोड़ा ऐसा बनेगा, बीच में फ्लैट हो जाएगा, कॉर्नर में फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसे फ्लैट हो जाएगा, फिर ऐसे, और बीच में जो मेनिस्कस बनेगा वो कैसा बनेगा, उसका तो प्रॉपर रेडियस आर बनाना है। कैपिलरी छोटी है ना, तो फ्लैट सरफेस मिलने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो पूरा का पूरा मरकरी इस शेप में आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है इसमें? अब फिर से लॉजिक की बात करें, एक सी पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। प्रेशर एट सी बोलो पी, एटमोस्फेरिक। प्रेशर एट ए बोलो पी, एटमोस्फेरिक। प्रेशर एट बी बोलो पी, एटमोस्फेरिक प्लस 2T/R, क्योंकि इसकी सरफेस ऊपर को है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तभी ऊपर को है। बात समझ में आ रही है? अब साफ पता लग रहा है कि इधर का प्रेशर ज्यादा है, इधर का प्रेशर, तो मरकरी ऊपर क्यों जाएगी, मरकरी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना यहां तक? तो बिल्कुल उल्टा एग्जांपल चल पड़ा, मरकरी जो है वो फॉल करती है, मरकरी राइज नहीं करती। ठीक, कोई डाउट इसमें? अब फाइनली मान लो एक मिनट के बाद, एक मिनट के लिए, ये बिफोर का एग्जांपल है। बिफोर मरकरी कब तक फॉल करेगी, जब तक प्रेशर किसका किसका सेम ही होता है, सी का एंड बी का, सेम कॉन्सेप्ट है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, मान लो ये मरकरी नीचे गिर गई, इसका लेवल में नीचे गिर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा देखो, मान लो सपोज इसका मेनिस्कस मैंने ये घेर दिया, नीचे नीचे आ गई, नया मेनिस्कस आ गया, ऊपर वाला भूल जाओ, अब दो मिनट के लिए इसको मिटाई देते हैं, ये लो। ठीक, अब कितना नीचे आ गया, बाय डिस्टेंस ऑफ एच नीचे आ गया। ठीक है ना यहां तक? और तब तक नीचे आएगा जब तक जो आपका बी पॉइंट है, जो भी बी पॉइंट था, बी का और सी का प्रेशर क्या नहीं हो जाता, सेम। अब प्रॉब्लम यह है कि इस केस में पी बी अर्लियर ये वाला पी बी वॉज ग्रेटर देन पी सी, यानी कि पी बी वॉज नॉट इक्वल टू पी सी, पी बी का प्रेशर ज्यादा था, पी सी का कम था, इसीलिए बी ने अपना प्रेशर एच रोजी क्या कर लिया, कम कर लिया, ताकि वो किसके इक्वल आ जाए, पी सी के। और पी ऑफ बी की वैल्यू आपको मालूम है, पी एटमोस्फेरिक प्लस 2T/R माइनस एच रोजी इज इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक, कैंसल कैंसल, तो 2T/R इज इक्वल टू एच रो जी, सेम एक्सप्रेशन जो पिछला किया था सेम आ जाएगा, बाकी सेम है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये समझ में आ रही है बात कि मेनिस्कस क्यों ऊपर मेनिस्कस क्यों नीचे जा रहे हैं? ठीक, ओके, ये तो रही एक बात। नेक्स्ट जो हम करते हैं, ऐसा करते हैं, विस्कोसिटी चलो ऐसा करते हैं, दो तरीके हैं मेरे को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के बारे में आपको थोड़ा और क्लियर बताने हैं। उस टाइम हमने किया बर्नौलीज थ्योरम लगाई, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मॉलिक्यूल्स के हिसाब से लगा के दिखाऊंगा बर्नौलीज थ्योरम, और एक दो चीजें नहीं बताऊंगा जैसे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकलेगा और थोड़ा सा अलग तरीके से निकलेगा, कॉन्सेप्ट से निकलेगा। ठीक है, बड़े काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स अभी नहीं करते अब, क्योंकि हमारा एक बेसिक कोर्स तो हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्मो हमने अभी हमने स्टार्ट करना नहीं है, कम से कम दो लेक्चर्स। तो हम एक काम करते हैं, इलास्टिसिटी से स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, टॉपिक्स डज नॉट मीन कि आपकी सीबीएसई स्कूल के लिए नहीं आपने पढ़ के जाना, कुछ नहीं, बस कॉम्पिटिशन है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, इसके बाद अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव बुक्स करोगे तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं सही तो 85-90% तक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक, क्योंकि मैंने ये उल्टा जो मैं बना के लाता हूं, ये मैं ऐसे नहीं बना के लाता कि बस मेरे मन में आया, मैंने थ्योरी पढ़ ली और मैं लिख दिया। थ्योरी पढ़नी होती फिर तो बुकलेट के अंदर आ जाती। ये एक एक्सपीरियंस है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा होगा तो किस क्वेश्चन में जाके अटकेगा। बुक्स मेरे पास हैं तो मैं देख लेता होता हूं, जो आप मुझे ये भी मालूम है कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं, तो जो कॉमन बुक्स हैं उनमें कॉमन जो चीजें आती हैं तो उसके बेस पे ये रिवर्स थ्योरी बनाई गई है, उल्टी थ्योरी। ठीक,
तो स्टार्ट करते हैं वेदांत। देखो जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है उसको अब हम उस टाइम कर लेंगे जब हमारा ऑब्जेक्टिव्स के अंदर टॉपिक आएगा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक किया था वो टॉपिक था आपका इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी से ही स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इलास्टिसिटी के ऑब्जेक्टिव्स करवाने से पहले इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताना चाहता हूं, और ऑब्जेक्टिव्स मैं खुद करूं आप उसको कॉपी करो उसकी बजाय आप घर से करके लाओ उसके डाउट्स लेके। मतलब दो तरीके होते हैं, चलो जी ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5, 6 शुरू हो जाओ, आज जनता घूमी जाएगी कि पता नहीं कभी इलास्टिसिटी आ जाती है, कभी प्रेशर आ जाता है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो बेटर यह रहेगा कि मैं आपको अपनी असाइनमेंट में से भी जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो साथ बताऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकली नहीं बताऊंगा, बताऊंगा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपने ये लगाने हैं, लगा के आपने देखने हैं, ठीक। तो उसको बीच बीच में लगवाएंगे भी, ऐसी बात नहीं है। तो पहले आप इसको लिख सकते हो जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव्स में इलास्टिसिटी में। सो इन इलास्टिसिटी टाइप का क्वेश्चन है, सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है जिसका मास m1 है, स्ट्रिंग का मास m1 है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितने है m2 है। क्वेश्चन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का a है, a। आपको स्ट्रेस निकालना है, बोलो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, एरिया मैं बता देता हूं, फोर्स आप बताओ, एरिया तो ए ले लिया, बोलो एम टू, इसका वेट एम टू जी प्लस एम वन जी, ये तो क्या क्वेश्चन था। देखो ये क्या किया मैंने, हाफ क्यों, सेंटर ऑफ मास। देखो स्ट्रेस किस में निकलेगा, वायर में निकलेगा, ठीक है ना, वायर का मास कहां पर पड़ा हुआ है ये तो आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि वायर का मास तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वायर का मास तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो आपको क्या मानना है, आपको ये मानना है कि आपका मास कहां पर पड़ा हुआ है, एट सेंटर ऑफ मास, ठीक है यहां तक। तो उस केस में जो स्ट्रेस लगेगा वो मिड पॉइंट पे लगेगा, मिड पॉइंट, स्ट्रेस टॉप पे नहीं लग रहा, स्ट्रेस कहां लगेगा, एट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट की अगर बात आती है तो उसके ऊपर की वायर का कोई स्ट्रेस नहीं, उसकी नीचे की वायर का स्ट्रेस है, और अगर नीचे की वायर का स्ट्रेस है तो आपको वेट भी क्या लेना है, हाफ लेना है, क्योंकि जो अगर अगर मान लो वायर है, वायर के यहां का स्ट्रेस पूछ रहा हूं अगर मैं, तो स्ट्रेस मीन्स नीचे का वेट, ऊपर का वेट काउंट नहीं होता, ठीक है यहां तक। तो पॉइंट नंबर वन इज क्लियर। पॉइंट नंबर टू, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, इफ अ वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग एंड इज स्ट्रेच्ड अंडर इट्स ओन वेट, ठीक, तो अपने ही वेट से कोई वायर अगर स्ट्रेच हो जाए, खिंच जाए, तो उस केस में यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला कैसे लगेगा। मान लो एक वायर है और वायर का मास कितना है m, वायर की लेंथ कितनी है l, मान लो, ठीक, ओन वेट है, अपने ही वेट से खिंच गई। तो मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस में फोर्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, वेट mg, पूरी वायर का एरिया a, डेल्टा l, मान लो इसमें एक्सटेंशन डेल्टा एल है, डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी लेंगे, एल बाई टू, यहां लेंथ एल बाई टू लेंगे, लेंथ एल बाई टू का मतलब कि आपने जो सेंटर ऑफ मास माना है वो कहां माना है, सेंटर में, बात समझ में आ रही है।
तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी वायर अंडर इट्स ओन वेट खींचेगी तो आपने एक कॉन्सेप्ट हमेशा लगाना है और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, एल बाई टू। अगर नीचे मास लटका हुआ है तो बात अलग है, तो उसमें तो हमने वेट का आधा किया ही किया, वो अलग चीज है। पर यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में यू हैव टू अप्लाई अंडर इट्स ओन वेट के केस में एल बाई टू। क्लियर है यहां तक? तो उस केस में वायर की लेंथ एल नहीं लेनी, वायर की लेंथ क्या लेनी है, एल बाई टू। मैंने कहा क्वेश्चन दो टाइप के आएंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन एक वायर है जिसका मास नहीं है, वायर का मास नहीं है, मास यहां लगा हुआ है, और अगर मास यहां लगा हुआ है तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला फोर्स यानी कि वेट अपॉन एरिया जो भी होगा क्वेश्चन में गिवन होगा डेल्टा एल बाय एल, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में मास है ही नहीं नीचे, मास कहां पर है, पूरी की पूरी वायर का ही मास गिवन है। ठीक, अगर पूरी वायर का मास गिवन है तो मास है कहां पर, एट सेंटर, तो आपने लेंथ ऑफ वायर कितनी लेनी है इसमें, एल बाई टू। तो आपने यंग्स मॉडुलस में जब फॉर्मूला लगाना है एमजी बाई ए डेल्टा एल बाई एल नहीं लगाना, फिर आपने क्या लगाना है, एल बाई टू लगाना है। क्लियर है यहां तक? आपको हर ऑब्जेक्टिव बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मेरी ऑब्जेक्टिव बुकलेट में भी ये जब आप प्रैक्टिस करके आओगे उसमें आपको मिलेगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? तो कई लोग जब सॉल्व करते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि टू फैक्टर बीच में कैसे आ रहे हैं आंसर में। याद रख लेना अंडर इट्स ओन वेट में एल बाई टू आएगा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखो। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में सपोज एक वायर है, यंग्स मॉडुलस वाई वन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है। एक और वायर है वाई टू एल ए, लेंथ और एरिया दोनों का सेम है, नीचे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये एक ब्लॉक है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि अगर मैं इन दोनों वायर्स की जगह एक वायर लूं, कॉमन वायर, सेम केस है, तो इसका नया यंग्स मॉडुलस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ y1 एंड y2, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस क्या होगा। जैसे दो रेजिस्टेंसेज हैं सीरीज में है r1 r2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है r1 प्लस r2, यानी कि आप दो रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो r1 प्लस r2। वैसे पैरेलल के अंदर, पैरेलल के अंदर 1 बाय r इज 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2। ऐसी यंग मॉडुलस में बताओ y1 प्लस y2 कि y1 1 बाय y1 प्लस 1 बाय y2 क्या आएगा फॉर्मूला। क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? करना कैसे मैं बताता हूं। इसको करने के लिए हमने कितने लोगों ने वर्क एनर्जी पार के ऑब्जेक्टिव किए घर में जाके, मतलब जब हमने किया होगा तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस थोड़ी बहुत की होगी। क्या आपने पढ़ते हुए कभी देखा स्प्रिंग्स इन सीरीज, स्प्रिंग्स इन पैरेलल के क्वेश्चन आए थे? पक्का देखे होंगे? दो टाइप के क्वेश्चन स्प्रिंग में मैंने नहीं करवाए, एक स्प्रिंग इन सीरीज, एक स्प्रिंग इन पैरेलल, ये तो एक टाइप का है। दूसरा, जब एक स्प्रिंग को कट कर दिया जाता है तो उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कैसे चेंज होता है, है? तेरा क्वेश्चन था, पेपर में आया था, चलो जल्दी डाल दिया टीचर ने, कोई बात नहीं, हम ऐसे चेम में करेंगे, बचा के रखा हुआ है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसका प्रूफ है कि वो कैसे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, क्योंकि अभी करवाना मीन्स याद करवाना, और उस टाइम तो बिल्कुल ही वर्क एनर्जी पार चल रहा होता है, न्यूमेरिकल में वैसे ही लोग हिले होते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए मैं चाहता नहीं था कि इसमें और बर्डन डाल दिया जाए। तो अब मैं आपको बताता हूं, इसका प्रूफ हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में करेंगे जो कि थर्मो के बाद नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अभी आप जस्ट नोट कर सकते हो कि अगर आपके स्प्रिंग्स स्प्रिंग्स पैरेलल में है, पैरेलल समझते हो, अगर ये एक स्प्रिंग है, अगर ये एक स्प्रिंग है के एंड के इन पैरेलल, इनकी जगह अगर आप एक स्प्रिंग लगाना चाहो तो पैरेलल के अंदर जो स्प्रिंग नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू के वन प्लस के टू। ये फॉर्मूला है, हाँ, मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, मैंने बताया प्रूफ एसएचएम में आएगा। पॉइंट क्लियर है? तो आज के बाद अगर दो दो स्प्रिंग हैं पैरेलल में गिवन है और अगर एक स्प्रिंग लगाना है तो के वन प्लस के टू। ठीक, अभी आप ऐसे याद करो। और ऐसी एक और फॉर्मूला है सीरीज का फॉर्मूला, अगर स्प्रिंग्स हैं एंड स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, स्प्रिंग जो है वो अगर सीरीज में कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग है के वन, एक स्प्रिंग है के टू, सीरीज से बोलते हैं ना, और आप इन दोनों की जगह एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हो के एस, तो आप फॉर्मूला यूज करो वन बाय के एस वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू।
یا کوئی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے یہاں تک, بنا پروف کے. ٹھیک, اب آپ شاید آپ میں سے کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کہاں سے یاد آ گئی, جب شروع میں نہیں بتایا تو اب کیوں بتایا, کیونکہ اب ایک کوشچن اٹک گیا ینگز ماڈولس والا. اور پرابلم یہ ہے کہ اسپرنگ کو تو ہم ایسے چیپ میں کیچ کر لیں گے, ینگز ماڈولس ایک بار گیا پھر کوئی چیپٹر اس کو یوز ہی نہیں کرے گا, پھر یہ کیچ نہیں ہوگا, تو اس لیے اس کو کروانا تو ہے ہی, اور بنا اسپرنگ کے کروایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہو گیا یہاں تک, تو اسی بہانے چلو آپ کی نالج بڑھ گئی. ٹھیک, تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں, اس کو یہ فارمولا آپ کو یاد رکھنا ہے. اور ابھی صرف اسپرنگ کی بات ہو گئی, ایک بات بھی کیوں رکھنی پھر اپنے من میں, وہی بتا دیتا ہوں کہ اگر اسپرنگ کا اسپرنگ کانسٹنٹ کے ہے, اسپرنگ کا اسپرنگ کانسٹنٹ کے ہے, اگر میں اس کو دو ایکول پارٹس میں کاٹ دوں, کٹ کر دوں, تو اسپرنگ کانسٹنٹ ڈبل ہو جائے گا دونوں ٹکڑوں کا, ٹو کے ٹو کے. اگر ایک اسپرنگ کانسٹنٹ کے ہے ایکول حصوں میں کاٹ دوں, تین حصوں میں, تو تھری کے تھری کے اینڈ تھری کے, چار ایکول حصوں میں کاٹ دوں, فور کے فور کے فور کے اینڈ فور کے. یاد کرنا ہے ابھی, بس اس کے علاوہ اسپرنگ میں چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی کلیئر ہے یہاں تک, کوئی ڈاؤٹ اس میں, اس کا کوئی رول نہیں ہے. اب واپس آ جائیں اپنے کوشچن پہ. میرا کوشچن کیا تھا, میرا کوشچن یہ تھا نا, آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسپرنگ بیچ میں کیسے آ گیا. اسپرنگ اس لیے آ گیا کیونکہ اسپرنگ الاسٹک ہے, اور جو چیزیں الاسٹک ہیں ان کا اسپرنگ کانسٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا نہیں ہوتا, اسپرنگ کی طرح نہیں ہوتا, بٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ الاسٹک ہے. ٹھیک, اب ایک چیز دیکھو, اسپرنگز کا ینگز ماڈولس سے کیا لینا دینا, لینا دینا ہے. کیسے, ینگز ماڈولس بولو کیا ہوتا ہے, فورس بائی ایریا ڈیلٹا ایل بائی ایل. ٹھیک ہے, مان لو آپ کے پاس ایک وائر ہے, وائر جس کا ینگ ماڈولس اے ہے, وائر ہے, آپ نے اس وائر کو کھینچ دیا اور کیا پروڈیوس کر دیا, ڈیلٹا ایل. کھینچنے کے لیے آپ نے کیا لگایا, فورس. اور اگر یہ وائر کھینچ گئی, اس کا مطلب کچھ یہ اسپرنگ کی طرح ایکٹ کر رہی ہے, الاسٹک باڈی ہے, تو کیا میں ایسا لگا سکتا ہوں فورس اسپرنگ کانسٹنٹ انٹو ڈیلٹا ایل, یہ بھی تو لگ سکتے ہیں. یاد ہے ایف از ایکول ٹو کے ایکس, ایکس کا مطلب ایکسپینشن ان دی وائر, اور اس میں ایکسپینشن کیا ہے, ڈیلٹا ایل. سمجھ آ رہا ہے من دمنجو, ٹھیک ہے یہاں تک. اٹ مینس فورس اپون ڈیلٹا ایل کا مطلب کیا ہے, کے. کوئی ڈاؤٹ اس میں, کلیئر ہے یہاں تک. ایسا کریں, اس کی جگہ کیا پٹ کر دیتے ہیں, یہ لو آپ کی بکس میں شارٹ کٹ لکھا ہوا ہے, ینگز ماڈولس کا اور اسپرنگ کانسٹنٹ کا یہ لینا دینا ہے. ینگز ماڈولس از اکول ٹو کے ایل بائی اے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کوئی ڈاؤٹ اس میں. ٹھیک ہے, تو ینگز ماڈولس کی ویلیو کس کے اکول ہے, کے ایل بائی اے کے اکول ہے. ٹھیک ہے, اب یا پھر K کراس ملٹیپلائی کر لو, K از اکول ٹو واٹ, وائی اے ڈیوائڈیڈ بائی ایل. کریں کوشچن سالو. دیکھو ایک چیز یاد رکھنا, کوشچن سالو کرنے سے پہلے جو ٹرک ہے, مین ٹرک ہے, اگر یہ ایک وائر ہے ینگز ماڈولس وائی ون, ایک وائر ہے ینگز ماڈولس وائی ٹو, ایریا آف کراس سیکشن اے اینڈ اے, لینتھ ایل اینڈ ایل, نیچے میں نے ایک لوڈ لگا دیا, لوڈ ہے, ویٹ ہے. اگر میرے کو یہ پیرل میں ہے نا, اگر میرے کو ایک وائر یوز کرنی ہے, ایک وائر یوز کرنی ہے جس کی لینتھ بھی اگر مجھے ایل ہی رکھنی ہے, جس کی لینتھ میرے کو برابر رکھنی ہے, تو کیا میں اس کا ینگز ماڈولس وائی لکھ دوں, وائی ان پیرلل سپوز, نیا اسپرنگ جو مجھے نکالنا ہے ینگز ماڈولس, تو بولو ایریا کیا لکھوں اس وائر کا, اے. ایسا ہو سکتا ہے, کہاں دو تاریں لگا رکھی ہیں ایل اور اے کی, مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ اگر ایک تار لگا لو گے نا سر ایل اور اے کی, تو بھی آنسر آ جائے گا. ایسے کیسے آنسر آئے گا, ایسے نہیں آئے گا, ٹو اے آئے گا. آپ کو موٹی تار یوز کرنی ہے اگر آپ کو سیم ویٹ کو لٹکانا ہے, تو موٹی تار کا مطلب اس کا ایریا کیا ہونا چاہیے, ان دونوں کے سم کے ایکول ہونا چاہیے. پوائنٹ کلیئر ہے یہاں تک, کوئی ڈاؤٹ اس میں. تو یاد رکھنا جب بھی دو وائرز پیرلل میں ہیں ان کی جگہ ایک وائر لگانا ہے, تو ایریا کو کیا کرنا ہے, ڈبل, لینتھ کو ڈبل نہیں کرنا, لینتھ ول ریمین سیم. ٹھیک,
यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक चीज मालूम है, स्प्रिंग मान लो ये स्प्रिंग्स की तरह एक्ट कर रही है, इनका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सपोज के वन है, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के टू है, तो इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के पी है, के पी इज इक्वल टू वॉट, के वन प्लस के टू। अगर मान लो आपने वायर को वायर नहीं लिया, स्प्रिंग की तरह लिया, तो के पी इज इक्वल टू के वन प्लस के टू। के का फॉर्मूला यंग मॉडल्स की फॉर्म में क्या होता है? वाई ए बाय एल, वाई ए बाय एल ठीक। तो देखो y a की जगह 2al, y 1al, y 2al, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास? फाइनल वैल्यू y की सॉल्व करो, इसे कितनी वैल्यू आ रही है? है ना, ये पॉइंट क्लियर है? तो जब सॉल्व करोगे ए और एल कैंसिल हो जाएगा, तो पैरेलल के अंदर यंग्स मॉडुलस विल बिकम वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाय, ठीक। ये शॉर्टकट गिवन है कि अगर यंग्स मॉडुलस पैरेलल में गिवन हो तो उस केस में वाई वन प्लस वाई टू नहीं, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाय टू करते हैं, ठीक। यहां तक सेम क्वेश्चन है, टाइप नंबर क्या बनी अभी? फोर। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के अंदर अगर एक वायर है वाई वन ए एल, एक और वायर है एल ए वाई टू, इनकी जगह वाई एस, अगर मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के वन है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट वायर का के टू है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? डबल, लेकिन एरिया क्या रहेगा? सेम। जब सीरीज में होता है तो एरिया तार को मोटी करने की जरूरत नहीं है, लंबी तार हो गई ना, L1 प्लस L यानी कि L प्लस L यानी कि 2L। वैसे स्प्रिंग के केस में, सीरीज के केस में लेंथ डबल करनी है, एरिया सेम। पैरल के केस में एरिया डबल करना है, लेंथ सेम। तो स्प्रिंग्स जब पैरल में होते हैं तो 1 बाय के एस इज इक्वल टू 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू, मैंने फॉर्मुला लिखवाया, के एस इज इक्वल टू के वन के टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू, ठीक है ना? यहां तक तो आप जब ये पैरल में है तो मैंने लिखा के एस इज इक्वल टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, और के को वाई की फॉर्म में क्या लिखते हैं? वाई ए बाय एल। तो एक काम करो, के वन की जगह पुट करो वाई वन ए एल वन, के टू की जगह वाई टू ए एल, और के एस की जगह वाई एस ए डिवाइडेड बाय टू एल। ये पॉइंट क्लियर है? के वन के टू और के एस की वैल्यू मैंने आपको बता दी, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, वैल्यूज पुट कर दी मैंने, तो ये सारी वैल्यूज यहां पुट कर दो K1, K2 एंड KS में। फाइनल जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे सीरीज के केस में, चेक करना कितना आंसर आ रहा है, ये आ रहा है Y इन सीरीज विल बी इक्वल टू टू y1 y2 upon y1 plus y2, ठीक है? यहां तक सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, सपोज
लेंथ ऑफ मेटल इज एल वन, सपोज लेंथ ऑफ मेटल इज एल वन, व्हेन टेंशन इन इट वॉज टी वन एंड लेंथ वॉज एल टू वन टेंशन वॉज टी टू, फाइंड ओरिजिनल लेंथ। क्वेश्चन है ओरिजिनल लेंथ एल निकालनी है, क्या हो? एक वायर है, जब मैंने उस वायर को खींचा तो उसकी नई लेंथ एल वन हो गई, तो वायर में टेंशन कितनी आ गई? टी वन। एल लेंथ से एल टू हो गई, जब टेंशन कितनी है? टी टू। ओरिजिनल लेंथ एल निकालो। वायर तो सेम है, ये तो मानते हो, तो वायर का यंग्स मॉडुलस क्या रहेगा? मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस विल रिमेन सेम। तो यंग्स मॉडुलस अगर सेम है तो डेल्टा एल केस नंबर वन में, पहले केस में डेल्टा एल वन, डेल्टा एल क्या होगा? एल वन माइनस एल, और केस नंबर टू में डेल्टा एल क्या होगा? एल टू माइनस एल, क्योंकि नई लेंथ एल वन है, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल थी। तो दोनों केस में डेल्टा एल निकाल लिया। यंग्स मॉडुलस इज फोर्स, फोर्स पहले केस में कितनी है? टी वन, एरिया मान लो ए, और एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल वन, एल का मतलब ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा एल वन का मतलब चेंज इन लेंथ। यंग मॉडुलस लगा लिया, ये एल वन है, ये एल टू है, ऐसी यंग मॉडुलस इज टी टू, एल ए डेल्टा एल टू, दोनों को इक्वेट कर लो, टी वन ए एल डेल्टा एल वन, टी टू एल ए डेल्टा एल टू, ए से ए कैंसल, एल से एल कैंसल, टी वन डेल्टा एल वन की जगह एल वन माइनस एल, टी टू एल टू माइनस एल, इन्हें सॉल्व कर लो। सॉल्व करके एल की वैल्यू आ जाएगी टी टू एल वन, टी वन एल टू, टी टू टी वन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुकलेट्स में ये आंसर आए। पॉइंट क्लियर है कि दोनों के यंग्स मॉडुलस को इक्वेट करके यू कैन कैलकुलेट द ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सपोज एक रिंग है ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड क्रॉस सेक्शन एरिया is A, is fitted on wooden disc of radius capital R. रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और उसको फिट कर दिया गया एक डिस्क के ऊपर जिसका रेडियस बड़ा आर है, ठीक, और आपको यह गिवन है कि जो बड़ा आर है वो स्मॉल आर से बड़ा है, मींस जो रिंग है उसका रेडियस छोटा था और जो वुड की जो डिस्क है उसका रेडियस बड़ा था। यंग्स मॉडुलस मुझे गिवन है, फाइंड फोर्स विद विच रिंग इज एक्सपेंडेड। मान लो अगर रिंग एक्सपैंड होती है तो कितनी फोर्स से एक्सपैंड होती है कि आपको निकालना है, ठीक। तो रिंग बहुत टाइट है, फिट कर दिया गया तो उसमें एक्सपैंड खुली हो जाती है रिंग। टाइट चीज में अगर किसी चीज को बांधोगे तो वो चीज थोड़ी देर में खुल जाएगी, तो जब वो खुलेगी तो आपको फोर्स बताना है कितनी फोर्स से वो खुलेगी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो डेल्टा एल होगा वो क्या होगा?
देखो जब पहले चीज को समझते हैं कि जो डिस्क है या लेट से इसने एक्चुअली मेंशन नहीं किया कि क्या रीजन है उसका एक्सपैंड होने का, कोई भी रीजन हो सकता है, तो सर्कमफ्रेंस बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा होगा, डेल्टा आर, फिर डेल्टा आर बीच में वेरिएबल आ गया, हाँ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास जो जो लेंथ है, मींस बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको ऐसे लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन के अंडरस्टैंड कई तरीके हैं इसको पूछने के, अगर सिर्फ रिंग एक्सपैंड हो रही है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप मान लो जो डिस्क है उसका सर्कमफ्रेंस एक्सपैंड नहीं हो रहा, पहला केस है। एक्चुअल में ये ऐसा है कि सपोज करो आपके पास एक डिस्क है, डिस्क का सर्कमफ्रेंस कितने, 2πr है, जो रिंग है, रिंग मान लो बिल्कुल बिल्कुल फिट तो नहीं आई बट बिल्कुल सर्कमफ्रेंस के पास चली गई, जिसका रेडियस, जिसका सर्कमफ्रेंस कितने, 2πr। तो लेंथ की अगर बात करें तो पहले वो रिंग फिट नहीं आ रही थी, मैंने क्या किया उसके ऊपर फोर्स लगाई, मान लो फोर्स अप्लाई किया उसको फिट कर दिया, तो पहले उसकी लेंथ कितनी थी, 2πr, और फाइनल लेंथ मैंने उसकी जबरदस्ती कितनी कर दी, 2πr क्या, ये डेल्टा एल है, बात समझ में आई, उसको फिट करना है, अगर फिट हो गई इसका मतलब कि चेंज इन लेंथ कितनी होगी, 2πr बड़ा आर माइनस 2πr, ठीक है ना, क्योंकि इसका फाइनल सर्कमफ्रेंस कितना कर दिया, 2πr बड़ा आर, ठीक है। तो इसमें बस इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो यंग्स मॉडुलस है दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कह सकते हो, या डेल्टा एल बाय एल जो मर्जी लगा लो, जो आपका स्ट्रेस है दैट इज फोर्स बाय एरिया, और जो आपका स्ट्रेन है, फोर्स तो मुझे निकालना ही है, एरिया मुझे गिवन है, जो स्ट्रेन है वो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय क्या होगा, एल, और ओरिजिनल लेंथ रिंग की थी कितनी, 2πr, और डेल्टा एल की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 2πr बड़ा आर माइनस 2πr, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ निकाल लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी बुक्स में, समझ में आ रही है बात कि कैसे मैंने क्या क्वेश्चन है फिट करना है उस रिंग को, आपको कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन और कर जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन, कौन सा टाइप है, सेवेंथ, सपोज एक रॉड है, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल, एंड एरिया ए यंग्स मॉडुलस वाई, एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, अल्फा, सो रॉड इज हीटेड थ्रू टी डिग्री सेल्सियस, फाइंड वर्क डन बाय रॉड, वर्क डन बाय रॉड क्या होगा, क्लियर है। देखो अभी क्या करना है, जो रॉड, एक्चुअल में इसमें थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो चीजें, जब हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं और कोई भी चीज ऑन एक्सपेंड, क्योंकि ऑन हीटिंग एक्सपेंड हो रही है, तो उसकी नई लेंथ क्या होगी उसको निकालने का एक थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कि अगर ओरिजिनल लेंथ एल है, आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आपने देखा होगा गर्मियों में तारें लंबी हो जाती हैं, चीजें एक्सपैंड करती हैं, तो कोई लेंथ ऑफ वायर अगर एल है और सपोज
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर उसकी लेंथ एल डैश हो जाए, तो चेंज इन लेंथ कितनी है, एल डैश माइनस एल। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में एक रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा कि चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे चीज उतनी ही ज्यादा एक्सपैंड होती जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, मतलब हाँ, अगर मैं ओरिजिनल लेंथ 1 किलोमीटर लंबी वायर लूं तो डेल्टा एल मीटर्स में होगा, लेकिन अगर मैं वायर ही 2 सेंटीमीटर लंबी लूं तो उसका लेंथ डेल्टा एल मीटर में कैसे हो जाएगा, उसका तो सेंटीमीटर में ही होगा। तो बड़ी जो लेंथ है एल उसका चेंज इन लेंथ भी बड़ा है, छोटी लेंथ है तो उसका चेंज इन लेंथ भी स्मॉल है। ठीक है यहां तक, तो इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करके मेरे पास वैल्यू आ गई एल इंटू टी डिग्री सेल्सियस। और एक और चीज, या हर चीज को ऐसे एक्सपेंड कर दोगे, प्लास्टिक को एक्सपेंड करोगे, लोहे को एक्सपेंड करोगे, सब में एक्सपेंशन सेम होगी, ऐसे कैसे हो सकता है, एक्सपेंशन सब में डिफरेंट है, यानी कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ दी वायर। तो इसलिए यहां एक कॉन्स्टेंट लगता है, उस कॉन्स्टेंट को एल्फा बोलते हैं, एल्फा। ये प्लीज एल्फा है, ये एल्फा है, तो ये आपका एल्फा है, एक कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में और करेंगे वैसे रिजल्ट, ठीक है यहां तक, ठीक। तो यहां से मैंने आपको किसकी वैल्यू दे दी, डेल्टा एल की। तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां डेल्टा एल होगा वहां वहां क्या पुट किया जाएगा, एल्फा एल एंड टी डिग्री सेल्सियस। याद है, क्लियर है। और लास्ट है इसमें कि मैंने इसमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। याद है, एक वायर को जब खींचते हैं तो वर्क डन क्या होता है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। और एफ आपको गिवन है, लेकिन आपको यंग्स मॉडुलस गिवन है वाई। वाई क्या होता है, फोर्स एरिया एल डेल्टा एल। एफ की वैल्यू वाई ए डेल्टा एल बाय एल, यहां पुट कर देते हैं, वाई ए डेल्टा एल एल इंटू डेल्टा एल। ठीक है यहां तक, हाफ वाई ए डेल्टा एल की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी, एल्फा एल टी डिग्री सेल्सियस, एल्फा एल फिर से एक बार टी डिग्री सेल्सियस, और डिवाइडेड बाय व्हाट, एल। एक एल से एल कैंसल, हाफ वाई ए एल्फा स्क्वायर एल टी डिग्री सेल्सियस का स्क्वायर। ठीक है, यहां तो वर्क डन आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेरी बुकलेट का भी आपकी बुक्स में भी गिवन है। समझ में आई बात, कुछ नहीं करना, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल करना है ना। और एफ को यंग मॉडल्स में निकाल लिया, और जहां जहां डेल्टा एल है वहां कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यूज कर लिया। ठीक है यहां तक, अब घर जाके ट्राई करोगे क्वेश्चंस, ठीक, ट्राई करना, काफी क्वेश्चन निकलेंगे।